सभी का स्वागत है YouTube चैनल स्कूल एक्टिविटीज पूजा मैम में। आज हम डिस्कस करेंगे TET के एग्जाम पैटर्न के बारे में। TET मींस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। TET हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान का है तो RTET, यूपी का है तो UPTET, सेंट्रल का है तो CTET, हरियाणा का है तो HTET, लेकिन TET का पैटर्न लगभग हर जगह सेम होता है। इसी पैटर्न को आज हम डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पेपर को, एग्जाम को पहले भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं UPTET के पेपर के पैटर्न के बारे में। तो UPTET में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150 प्रश्न आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स हर प्रश्न के चार उत्तर होते हैं जिसमें से एक सही उत्तर होता है जिसको आपको OMR शीट में फिल करना होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है मार्किंग सिस्टम। हर सही उत्तर के लिए आपको +1 मिलता है, लेकिन हर गलत उत्तर के लिए आपको 0 नंबर दिया जाता है। अब ड्यूरेशन, पूरे पेपर को सॉल्व करना, OMR शीट भरना, उन सब के लिए आपको मिलता है 2.5 घंटा (2.5 hours) टू कंप्लीट द पेपर। लैंग्वेज मींस भाषा, जिस भाषा में आपको पेपर देना सुविधाजनक लगता है वो भाषा आप यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। दो भाषाएं मिलती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। कोई भी एक भाषा आप अपनी सुविधा अनुसार ऑप्ट कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स, 150 में से कितने मार्क्स आपके आए कि आप उसमें पास हो जाएं। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी और SC ST OBC कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाने जरूरी है और SC ST OBC के लिए 55% मार्क्स लाने जरूरी है। 60% का मतलब होता है कि 150 में से आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, जबकि 55% का मतलब हो गया कि आपके 82 मार्क्स आने चाहिए 150 में से। अब हम बात करते हैं पेपर वन और पेपर टू के बारे में। TET का एग्जाम दो लेवल का होता है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन, यदि आपको क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक का, यानी कि प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, तो आप पेपर वन क्वालिफाई करेंगे। और यदि आपको अपर प्राइमरी लेवल 6, 7, 8 का टीचर बनना है तो आप पेपर टू क्वालिफाई करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनमें आने वाले सब्जेक्ट और मार्क के बारे में, मार्क्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षण विधियां। ये टोटल 30 क्वेश्चंस इसके आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज वन, पहली भाषा हिंदी भाषा है जो कि कंपल्सरी है और इसके 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। भाषा दो, भाषा दो में आपको 3 चॉइस मिलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इन तीनों में से, भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और ये भी आएंगे 30 नंबर के 30 प्रश्न। इसके बाद है मैथमेटिक्स, ये भी 30 नंबर के 30 प्रश्न। एनवायरमेंट स्टडीज 30 नंबर के 30 प्रश्न। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 150 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया पेपर वन। पेपर वन क्योंकि प्राइमरी लेवल का है तो आपको प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं पेपर टू के बारे में। पेपर टू में फर्स्ट सब्जेक्ट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, कंपल्सरी है। भाषा एक हिंदी कंपल्सरी है, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। भाषा दो अगेन आपको चॉइस मिलती है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से, जिसमें से आप ले सकते हैं कोई भी भाषा अपनी सुविधा के अनुसार, 30 नंबर के 30 प्रश्न। अब ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास जो सब्जेक्ट थे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे मैथ्स या साइंस है या कोई और सब्जेक्ट है या सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो ये टोटल 60 प्रश्न आते हैं 60 मार्क्स के। तो इस तरह से यहाँ पर भी टोटल हो जाता है 150 मार्क्स, ठीक है। अब क्योंकि दो लेवल है, पेपर वन और पेपर टू, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल,
तो दोनों का डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर अलग अलग होता है. प्राइमरी लेवल थोड़ा सा कम कठिन आता है, इजी पेपर होता है क्योंकि प्राइमरी लेवल का है. लेकिन पेपर टू में सिलेबस लगभग सेम है लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक का आता है. तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग.